सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव। कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो हमारे दरमियान में बहुत सी सियासी जमात के उम्मीदवार आते हैं और अगर उनको कोई लाने का काम करता है तो ये आपके हमारे नई पैदा हुए वाले मीर सादिक मीर जाफर की औलाद लेके आते हैं। आज सैयद मोइन साहब ने अपनी बात को रखा, एमएनए साहब ने भी अपनी बात को रखा। यकीनन जो पिछले 70 वर्षों से हम लोगों को वोट देते हुए आ रहे हैं, मगर क्या उन लोगों ने हमारे साथ बराबरी वाला इंसाफ किया? क्या नांदेड़ के अंदर हमारे शहर में हमारी बात रखने वाला कोई ऐसा हमारा नुमाइंदा नहीं है जो ऐवान असेंबली में जा सके? है, मगर हमको भेजा नहीं जा रहा। ये सब चीजें पिछले 17-18 वर्षों में देखने के बाद मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, कहीं ना कहीं हमारा इस्तेमाल हो रहा है और हमारा इस्तेमाल, हमारे साथ इंसाफ करने वाली बात ही नहीं होती है। इसलिए आप तमाम लोगों के सामने एक गुजारिश करता हूं कि इस बार जिस तरह कहे मोइन साहब ने कह के गया कि 14 से अच्छा 19 में माहौल है, यकीनन मेरे अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं कि ये 19 के अंदर इंशाअल्लाह ताला शहर नांदेड़ के दो एमएलए आप और हम मिलके इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। क्यों? इसलिए जीतेंगे कि ये इलेक्शन मेरा या सादर चौश का नहीं, ये इलेक्शन ये आपका और हमारा इलेक्शन है। उम्मीदवार मैं नहीं, उम्मीदवार आप लोग, ये बात याद रख लीजिए। हर नौजवान को समझना पड़ेगा, हर नौजवान यहाँ पर फेरोज वाला है, हर बुजुर्ग मेरा फेरोज वाला है। इसलिए आप तमाम बुजुर्गों से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि ये फेरोज वाला मैं यहाँ का उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार आप है। हमने आज तक इनको वोट देते रहे मगर हमने अपने आप को यहां पर कभी वोट नहीं दिया। रही बात 20-25 सालों से चॉकलेट देने का काम किया, सैयद मोइन साहब ने यहां पर कहा कि सत्तार साहब को आ जाइए कि स्टेज पे इंशाअल्लाह ताला हम आपको साथ लेने के लिए तैयार है। मैं सत्तार साहब नहीं, बाकी भी कांग्रेस के साथ साथ जनाब अब्दुल मुखिद साहब को भी दावत देता हूं कि फेरोज वाला तैयार है। आइए मुखिद जी, फेरोज वाला गले लगाने के लिए आपको भी तैयार है। अब मामला वो नहीं है, अब मामला विकास तो होने वाले, विकास तो होते रहेंगे, मगर आज इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो ये हमारे रहनुमाई और नुमाइंदी करने के लिए आपकी हमारी आवाज वहां पर भेजना पड़ेगा। यकीनन जो कानून बनते हैं ये नुक्कड़ चौरस्तों पे नहीं, ऐवान बल्लिया से लेके ऐवान असेंबली से लेके ऐवान पार्लियामेंट में बनते हैं। तो क्या वहां पर हमको अपनी आवाज नहीं रखना पड़ेगा? मैं आप तमाम यहाँ के नांदेड़ के मुस्लिम, दलित, ओबीसी, तमाम पिछड़े तबकात के लोगों को इस जलसे से वादा करता हूं कि एक बार नांदेड़ और उत्तर के दोनों एमएलए को आप असेंबली में भेज दो, कसम खुदा की आपको रुसवा नहीं होने दूंगा और मायूस नहीं होने का वादा रहा इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल रुसवा नहीं होने दूंगा। और आप लोगों की कभी गर्दन को झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला, ऐसा काम करूंगा कि आप ये पूरे नांदेड़ से कह सकेंगे कि ये वो मर्द मुजाहिद फेरोज वाला ये हमने सोचे दिया था। इसलिए आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं, बहुत से मसले हैं मुखिद भाई, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस ये इतिहास में जमा हुआ टाइटैनिक जहाज की तरह हो गई है, टाइटैनिक के तो भी पुर्जे मिल गए इंशाल्लाह, इनके नहीं मिलने वाले, ये वादा रहा।
इसलिए आज हमको हमारे सब लोगों की जरूरत है। अगर आप आएंगे आगे तो यकीनन अल्लाह के जात से उम्मीद है कि यकीनन ये लोग और इस इलाके के जो लोग हैं, नौजवान हैं, ये मजलूम मुसलमान हैं, ये आप लोग आप पे भरोसा करते हैं, उनको भी एक उम्मीद होंगी कि नहीं अब वो वाला काम नहीं, अब वो वाला काम नहीं है, अब मजलिस का काम है। इसलिए बहुत से बातें हैं। हम जब बेग साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर पानी के ताल्लुक से गुना दाखिल हुआ है, पानी पिलाना तो सवाब का काम है और सवाब का काम मुझे तो लगता है कि 14 महीने से देख रहा हूं सिर्फ मजलिस ही करती है। बेग साहब, कांग्रेस सवाब का काम नहीं करती, उनको बदुआ है, ये आज की नहीं 1992 से उनको बदुआ लग रही है। 1992 के बाद कुछ भी माहौल हिंदुस्तान में नहीं दिख रहा। आज ही अखबार में देखा, सुना और पढ़ा कि महाराष्ट्र हरियाणा के इंतखाबात असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, इनका शहजादा लंदन के दौरे पे। गलत बोलो क्या मुखिब भाई? मुखिब भाई, इलेक्शन महाराष्ट्र में है और बिहार में, और राहुल गांधी अमेरिका में है। अरे कभी हमको बेटी बोल रहे थे भाजप की, क्या कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे की बेटी तो नहीं हो गई? जो शहजादा राहुल गांधी देश छोड़ के बाहर चला गया, मुझे तो लग रहा है महाराष्ट्र में इस मुल्क का जालिम बादशाह नरेंद्र मोदी 26 सभा करने वाला है, मगर कांग्रेस के शहजादा एक भी नहीं। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं, ये इंतखाबात तो आते रहेंगे जाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, हम लड़ते भी रहेंगे, मगर आज सबसे अगर कोई चीज अगर जरूरी है तो हमको अपने आप में इत्तेहाद को पैदा करना पड़ेगा। पहले हम अपने इख्तलाफात को खत्म करो, मसलखों में मत जाओ, बिरादरियों में मत जाओ, और अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए एक हो जाओ। अगर हम एक हो जाएंगे तो ये जो पिछले 6 साल से जो इस मुल्क के अंदर जो नंगा नाच कर रही है बीजेपी की हुकूमत, बड़ी बात से तोबा, अगर आप मुत्तहिद होके मुनज्जम होके एक रहे तो बड़ी बात से तोबा, कोई मैं का लाल ऐसा पैदा नहीं हो कि आपके ऊपर जो सो नजर भी उठा सके। इसलिए आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं, 21 को पतंग, 24 को जश्न। मुखीब भाई अभी आ जाओ इंशाल्लाह ताला, 29 को मोइन भाई के साथ तुम्हारे भी मेरा साथ जश्न, फिर वाला तैयार। और